माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई की ओर से शुक्रवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। यहां सचिव स्कूली शिक्षक एवं साक्षरता विभाग को उपायुक्त के बाध्य से ज्ञापन प्रेषित किया गया। संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रमणि प्रसाद और जिला सचिव मोहम्मद अख्तर अंसारी के संयुक्त हस्ताक्षर से यह ज्ञापन दिया गया। संघ ने सरकारी माध्यमिक शिक्षकों की लंबित मांगों के त्वरित निराकरण के लिए संघ ने तत्काल इन मांगों को पूरा करने का मांग किया है, अन्यथा संघ जोरदार आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बताया गया कि सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के पद पर प्रोन्नत प्रधानाध्यापक के लिए निर्गत सेवा शर्त में संशोधन 355 को निरस्तर करते हुए वरीयता सह मेघ कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत एवं न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षक अनुभव हो एवं सामान्य सिलेबस के आधार पर सीधी भर्ती की मांग की। वहीं सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान की प्रोन्नति के लिए निर्गत आदेश 1726 को निरस्तर करके सभी कोटि के माध्यमिक शिक्षकों को MACP की स्वीकृति की मांग हुई। ज्ञापन कार्यक्रम में सत्यनारायण प्रसाद, विनय कुमार यादव, निवास कुमार, केसरी नंदन, समा प्रवीण, गुलाम मुर्तजा, रणधीर राय, अजय कुमार चौधरी, पंकज कुमार सहित अन्य शिक्षक शामिल थे। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने सचिव शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के नाम जिला उपायुक्त के द्वारा ज्ञापन सौंपने के लिए आए। इसमें मुख्य मांग हम लोगों का रहा है सरकारी माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति, सभी शिक्षकों को MACP का लाभ, संगीत शिक्षकों को भी 4600 ग्रेड पे मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक शिक्षकों को भी समान वेतन मिलना चाहिए। यही हमारा मुख्य बिंदु है आज का।